दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो के अंतर्गत भी आपको प्रोफेसर राजन सिराजू भैया की यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, जिसमें किस प्रकार से किसी के डेट ऑफ बर्थ को लेकर चीज़ें चलती हैं, जो हम शुरू में लेके आप देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपने ये भरी है और इस तरह से किया गया है, तो किस तरह से जब आप अपर ग्रेड में जाते हैं और वहाँ पर चीजें कैसे बनती हैं और किस प्रकार से होता है, तो वही नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ उसमें समझना है और आप देखिए कि किस प्रकार से होता है क्या चीजें हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। तो इसमें सिर्फ समझना है, अगर आपको इस स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो आपको समझ ही रहे होंगे, अगर नहीं है तो आप इसको समझने का जो है प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए कि एक नोटिफिकेशन है जो ये 27 तारीख को जो है आपका अपडेट हुई है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो बताया गया है कि कार्यालय ज्ञापन, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा के उप कुल सचिवों की अंतिम जो है ज्येष्ठता सूची है, जिसमें कुछ आपत्ति जो है दर्ज की गई थी। उसमें बताया गया है कि उक्त ज्येष्ठता सूची को संशोधित करते हुए उप कुल सचिव की अंतिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या 77 इसके दिनांक 17/9/2021 द्वारा अंतिम ज्येष्ठता परिचालक की गई थी। 7 दिनों के अंदर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो कार्यालय ज्ञापन है, यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन का इस दिनांक के द्वारा जो परिचालित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा के उप कुल सचिव की अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध श्रीमती दीप्ति मिश्रा उप कुल सचिव प्रोफेसर राज सिंह रज्जू भैया इन विश्वविद्यालय प्रयागराज के पत्र दिनांक 21/9/2021 द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि अंतिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक में 8 पर अंकित उनकी जन्मतिथि 31/3/74 अंकित की गई, जबकि वास्तविक जन्मतिथि उनकी 21/3/74 है। 31/3 और 31/3 में देखिए 10 दिन का जो है अंतर में तदनुसार जन्मतिथि संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है। साक्ष के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 1989 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमाण पत्र हाई स्कूल का होता है कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप देख रहे हैं तो ये चीजें सारे गौर से देखते हुए चलिए। आगे श्रीमती दीप्ति मिश्रा द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त आपत्ति विचार करते हुए उनकी जन्मतिथि में संशोधन कर दिया गया है। शेष उप जो है कुल सचिवों की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी उप कुल सचिव द्वारा अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में अपने विश्वविद्यालय के संबंध में कोई सूचना आख्या प्रेषित नहीं की गई है। तो ये नियमावली के तहत जो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है, तो मेरे सिर्फ इस जो है नोटिफिकेशन को दिखाने का मतलब यही था कि अगर आप लोग भी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह में जब चेंजिंग वगैरह करते रहते हैं और यहाँ से वहाँ कुछ चीजें जो है चलती रहती हैं, तो ये चीजें हैं बाद में आपको जो है आगे इसका बहुत, अगर कहीं आप अच्छी जॉब में लगते हैं उसका बहुत महत्व तो होता है। तो जो चीजें हैं एक्यूरेट रखिए जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है, और अंतिम क्षण तक आप देखिए कि एक एक शब्द अक्षरशः वही होना चाहिए। तो इसकी जो अंतिम जो सूची है यहाँ पर आप देखिए, ज्येष्ठता सूची में आपको यहाँ पर जो 10 नाम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि ज्येष्ठता क्रमांक, नाम, गृह, जनपद, जन्मतिथि, कुल उप कुल सचिव के पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति, आदेश की तिथि, भर्ती का स्रोत, भर्ती स्रोत किस प्रकार के हैं और कब जो है इनका जो है तिथि, ये उप कुल सचिव के पद पर मौलिक रूप से आदेश की तिथि इनकी है। तो इस नोटिफिकेशन में आपको सिर्फ अगर आप इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं तब तो ये देखने की बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप इसको समझिए और समझ के जो है अमल में लाइए कि अपने जितने भी डाटा हैं उनको हमेशा एक्यूरेट रखिए और सुसज्जित रखिए, सही रखिए, क्योंकि बिना सुसज्जित के आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।